ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कई लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग ना देसी घी खाते हैं और वो बुढ़ापे में तभी इतना काम कर लेते हैं। तो मुझे भी जो मम्मा ने, बाबा ने, सभी परिवार ने एक शुद्ध घी कहें, शुद्ध प्यार कहें, शुद्ध ज्ञान कहें अथवा व्यवहार कहें, जो सब कुछ किया तो वो पालना मुझे चला रही है। और एक बात मुझे भूल गया, जब मम्मा मुझे विदाई दे रही थी कानपुर आने के लिए तो बोली, तुमको ज़्यादा ज्ञान सुनाने ना आए तो तुम पता चार बात सुना देना सबको। वो चार बात कौन से कहा, उसमें सारा ज्ञान आ जाएगा। तुम चार बात याद रखो कि कौन चल रहा है, कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, कौन आ रहा, कौन बैठा है, का इतना तो याद रखोगी। तो यही तुम सुनाना कि कलयुग जा रहा है तो कलयुग के ऊपर समझा देना, सतयुग आ रहा है तो सतयुग पे समझा देना, और चल क्या आ रहा है, संगम युग चल रहा है, जो संगम पे सबकी स्थापना बाबा स्वर की कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में खड़ा कौन है, कौन खड़ा है, विनाश सिर पे खड़ा है। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जब कोई ऐसी दिक्कत की घड़ी आए तो सोचना बाबा बैठा है, बस। और कोई ज़्यादा ज्ञान सुनाना ही नहीं है। तो मम्मा ने जो सहज रीति से सुनाया वही काम में आया। ओम शांति।